तो थोड़ा मैं आपको इमोशनल बात कहना चाहता हूँ, दिल की बात कहना चाहता हूँ। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट 4 o'clock इन द मॉर्निंग आई गॉट अप एंड वेंट टू द बैल्कनी। रोल साउंड, रोल कैमरा। हम बगैर सल्तनत के बादशाह है आने। एक्शन। हम जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं एंड इट्स अ फैक्ट। शेरू 44 मैं कर चुका हूँ, 44 एज ए फाइनेंस। भाई इसने अपने फिल्म के चक्कर में मेरा पैसा खा गया। पीछे लैंप दिख रहा होगा आपको। ये फोटो किसकी लगी है अलमीरा पे? एतराज नहीं, यही तो ऑफिस है। अम्मा की दुआ कबूल हो गई भाई। ये हमारा शादी का रिश्ता आया है, इसे हमने बड़े नाज और नखरों से पाला है। तुरंत जानता नहीं टिकू चीज क्या है। महस मत चीज क्या है, करो निकलो यहाँ से। ये शादी आप अपनी मर्जी से कर ली? जी हाँ, निकाह के बाद अब हमें मुंबई ले जाएंगे ना। मैं भोपाल में नहीं रहना। टिकू गोल्ड डिगर चिंगम थुक। फिर बदतमीजी कर रहा है, अब उसे बोल दो। शादी कर ली यार, बताया भी नहीं तुमने। कौन है तू जो तुझे बताऊंगा? बीएमसी है जो तेरे से परमिशन ले। कुछ गड़बड़ लग रही है मुमताज। क्या कुछ किया इसने चाचा? कुछ नहीं किया शहजादी ने, यही तो गड़बड़ है। कैसा है मेरा बच्चा? अभी भाग गए बाबा को। नहीं भाग गए मतलब बैग लेके भाग गए। भाग गई पैसा लेके। शुरुआत में मैंने बताया गोल्ड डिगर। फिरोज खान अफगानी ऐलान करते हैं कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आई थिंक यहाँ से वापस आती होगी ये। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? या फिर ये ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी सिचुएशन की वजह से वो वापस आती है और महाशिवरात्रि हो जाता है। अपना प्लेट तैयार हो रही है, उसमें टीवी, एसी, म्यूजिक, आईपैड, यूपैड सब फैसिलिटीज होगी इंशाल्लाह। आप बहुत स्पेशल हैं हमारे लिए। वी आर सिंगिंग द सेम सॉन्ग। वालेकुम सलाम रिज़वी भाई। ईद का चांद हो गया था आप तो। कहाँ कोरोना हो गया था? अरे भाई मेरे को ना बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। डू और डाई वाला मामला है। बिग रिस्क बिग लाइफ, नो रिस्क नो लाइफ। इश्क हो गया हमें आपसे। अगर दिल में ना हो ना तो ये बात टीकू सलमान खान तक को ना बोले। इंग्लिश में इंटरेस्ट है आपका? आई लाइक इट, आई कैन स्पोकन पंजाबी आल्सो। इट्स नॉट अबाउट मशीन गन यू स्प्रे ओवर द टेररिस्ट अटैक, इट्स लव अबाउट टू पीपल अंडर वन स्काई एंड द हैप्पी मैरिज, यू नो व्हाट आई मीन। अब अवनीत कौर की फैन फॉलोइंग आपको इतनी ज्यादा मिलती है, सिर्फ ये 2 मिनट के ट्रेलर पे 1 सेकंड से भी कम जो किसिंग सीन दिखाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर के बीच में, तो आप ये देखिएगा कि लोगों की ठरकपन यहाँ पे। अगर आप अवनीत कौर डालते हो, अवनीत कौर किस नवाजुद्दीन, मतलब वो 1 सेकंड के सीन को भी लोग सर्च करके यहाँ पे देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अवनीत कौर न्यू मूवी, अवनीत कौर एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है भाई, अब मूवी है, अब क्या है, किसिंग सीन पर हो रही है ट्रोल। जाहिर सी बात है कि अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आप एज चेक कर रहे हो वो 49 है और अवनीत कौर की 21 है, सो आई थिंक दिस इज बॉलीवुड। और लेटेस्ट जो अभी इंटरव्यू हुआ है, किसिंग विसिंग होती है सचमुच में होती है, समझ रहे हो? मैंने हाँ सब सचमुच में होता है, ऐसे थोड़ा ही ना कि हेमा मालिनी चिलम में झोंका पीती है, वो 500-500 का नोट डाल के पीती है। को छोटे गांव के लोगों के साथ में ये बहुत होता है, मुझे भी शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आती थी। नवाज साहब, अपर्णा मैम, हाय। ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है। अवनीत, आपके एक क्वर्कीनेस है कैरेक्टर में, तो वो मुझे जनरली भी बहुत पसंद आती है, वैसे लाइफ में भी बहुत पसंद आती है क्वर्कीनेस। वो तो पता है भाई, मतलब अगर आप कहो कि मूवी की आपको आधी स्टोरी पता चल चुकी होगी कि मे बी हो सकता हो कि ये गोल्ड डिगर हो सकती है, और एक ये अगर एक इतना बड़ा एजेंट है तो वो इसलिए इससे शादी करना चाहती है ताकि वो एक डायरेक्टर के अंडर आ सके और खुद पे एक बड़ी स्टार बन सके या फिर खुद एक बड़ी एक्टर बन सके, जहाँ तक ये मेरे को लग रहा है। तो सबसे पहले क्या ख्याल आया ट्रेलर देखने के बाद, नीचे बताइएगा। एटीट्यूड है उसका, उसका अपना, भले ही वो नहीं हो, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जो होता है कुछ, तुम जो बोल के गए थे कुछ हुआ, कुछ तो हुआ नहीं,
तो बीच में ऐसा भी टाइम आ गया था, मैं 5-5 साल नहीं जाता था, मैंने क्या जवाब दूंगा उनको मैं। मुझे नहीं लगता कि लोग इस मूवी को स्टोरी के लिए देखना चाहेंगे। अवनीत कौर है जिस वजह से कहा जाए कि इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा इंस्टाग्राम पे, और या फिर ये कहा जाए कि कुछ ऐसे बोल्ड सीन देखने को मिल सकते हैं जिस वजह से लड़के इसको देखने की कोशिश जरूर करेंगे। और इसका पहला असर तो आप अभी देख चुके होंगे कि YouTube पर अगर आप डाल रहे हो अवनीत कौर, तो उसमें सबसे पहले अवनीत कौर किस नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ रहा है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि हाउ अवनीत कौर जिसका एज 21 है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 49 जिसका ईयर है उसको किस कर सकती है। आई थिंक दिस इज कॉल्ड बॉलीवुड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर।